हम बात करने वाले हैं Vivo के Y28 5G डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर पावर ऑफ पासवर्ड सेटिंग्स को इनेबल कैसे करेंगे। गाइस एक ऐसी सेटिंग्स है जिसको अगर आपने फोन के अंदर इनेबल करते हैं तो जब भी अपने फोन को पावर ऑफ करने की कोशिश करेंगे रिक्वायरमेंट होगी आपके स्क्रीन लॉक पासवर्ड की। थिंक अबाउट कि अगर आपका फोन कहीं लॉस हुआ और किसी पर्सन को मिल भी गया, मोस्ट ऑफ केसेस में चांसेस है कि लोग पावर ऑफ करने की ही कोशिश करेंगे। बट अगर आपने इस सेटिंग को ऑन करके रखा है तो ऐसे केस में वो स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा और आप उसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को इनेबल कैसे करते हैं। गाइस इस सेटिंग को अपने फोन के अंदर टर्न ऑन करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा है, देन स्क्रॉल ऑन करके नीचे आना, इसमें एक सेटिंग्स होगी प्राइवेसी का, इसको आप प्रेस करेंगे इस टाइप से एंड अगेन स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, इसमें एक सेटिंग्स और मिलती है अनलॉक टू पावर ऑफ। अगर ये सेटिंग्स आपका डिसेबल्ड है तो ऐसे केस में ये काम नहीं करेगा, तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो ये फीचर आपके फोन के अंदर इनेबल हो जाएगा, देन जब भी आपका फोन लॉक्ड होगा। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर ऑटोमेटेड काम करता है, मींस कि अगर आपका फोन ऑन है तो काम तो ऑटोमेटेड ही करेगा, ऑटोमेटेड मींस कि ये ऑफ हो जाएगा। बट अगर आपका फोन लॉक्ड है तो ऐसे केस में ये जो सेटिंग्स है ये काम करेगी, आपके स्क्रीन का पासवर्ड तब ऐसे केस में मांगेगी। ऐसा नहीं कि आप ऑन करके चला रहे हो तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है आपके पासवर्ड की, तो लॉक्ड रहेगा तो उसमें है, क्योंकि ये ज्यादातर केसेस में लॉस वगैरह होने पर ही ये काम करता है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि इस सेटिंग को इनेबल एंड यूज कैसे करना था, एंड फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजिंग होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।